हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो गाइज, आज के एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूं। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट ट्रेनिंग होगा चाइल्ड आधार कार्ड के ऊपर। जी हाँ, चाइल्ड आधार कार्ड जिन जिन भाइयों ने मेरे से आईडी लिए हो चाइल्ड के, तो उन लोगों के खास करके वीडियो है, क्योंकि एक कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जानेंगे किस तरह से आप एक नया चाइल्ड का 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का किस तरह से आप आधार कार्ड बना सकते हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे अपलोड करोगे, क्या क्या अपलोड करना पड़ता है, सारा कुछ मैं इसे वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो देख देख के आप लोग खुद का भी आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जिन जिन भाई ने मेरे से आईडी लिए है, इसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत मैंने देखा है कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को फुल समझते नहीं है और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके परेशान कर देते हैं। भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो में सारा कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को फुल वर्ड्स करिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए और मैसेज करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद ही अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो, ठीक है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन बाद बाद में वीडियो अपडेट कर देता हूँ और वीडियो में सारा कुछ समझाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन का जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में और एक बात बताएंगे कि DOB और नेम किस तरह से आप चेंज करेंगे, उसका आईडी क्या है, आईडी कितना का होगा, ये वीडियो के अंत तक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं चाइल्ड आईडी, तो ये है चाइल्ड आईडी आप लोगों के सामने जो है, जिन जिन भाई ने मेरे से आईडी लिया हो यहाँ पे देख सकते हो। चाइल्ड का जो काम है वो फर्स्ट हो रहा है, ठीक है, एक दिन में आधार कार्ड जनरेट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि मेरा आप यहाँ पे देख सकते हो 3 एप्लीकेशन सक्सेस हो गया, एक पेंडिंग में है जो कि मैंने कल डाला था। एक दिन में भी यहाँ पे जो आधार कार्ड है वो जनरेट हो जाता है चाइल्ड का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस में जिन जिन भाई नया है, नया देख रहे हो वीडियो, उन लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस। यहाँ पे आपको जैसे आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड, आप यहाँ पे इनरोलमेंट जो जेन्युइन इनरोलमेंट नंबर है वो आपके यहाँ मिल जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने यहाँ पे स्टेटस चेक करके दिखाया था, ठीक है। अभी मैं आप लोग चेक करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे UID का वेबसाइट खुल गया है और यहाँ पे मैं आप लोग को लाइव चेक करके दिखाऊंगा कि ये कौन सा स्टेज में अभी है, ठीक है। ये तो जनरेट हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को चेक करके मैं बताता हूँ या जनरेट हो कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पे योर आधार हैज बीन जनरेटेड, तो ये ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट हो जाता है एक दिन में आधार कार्ड, ये गारंटीड है आप लोगों के साथ, ठीक है। जिन जिन भाइयों ने आईडी लिया है, काम कर रहे हैं, वो लोगों को ये पता है। अगर आप नया हो, नया वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी है। अगर आप चाइल्ड आईडी लेना चाहते हो तो आपको वीडियो के नीचे आपको मोबाइल नंबर मिल रहा है मेरा, वो मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अपना डिटेल्स, नेम, मोबाइल आईडी, ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा और 2 मिनट के अंदर आपका जो आईडी है वो प्रोवाइड होगा। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको आईडी मिल जाएगा, ठीक है। आईडी के प्राइस आपको पता है 1999 का है, चाइल्ड इनरोलमेंट आईडी, ठीक है। ये बहुत फास्ट काम हो रहा है चाइल्ड का, आप जल्दी से आईडी लीजिए और फास्ट काम कीजिए, ठीक है। तो भाई, यहाँ पे आप मैं बताऊंगा किस तरह से आप नया इनरोल करेंगे। जिन जिन भाई ने ऑलरेडी आईडी ले रखी हो उन लोगों के लिए भी, और जो जो आईडी लेने के लिए सोच रहे हो उन लोगों के लिए भी है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाए। तो गाइस, आईडी लॉगिन हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑप्शन मिल जाएगा कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके सामने पूरा फॉर्म खुल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल नेम दे देना है, ठीक है, बच्चों का फुल आप यहाँ पे आप फुल नेम यहाँ पे डाल दोगे, उसके बाद बच्चे का फादर नाम आप यहाँ पे डाल दोगे, उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। जैसे कि मैं 01/01/2023 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरह से आपको 22 लेस दे के आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, उसके बाद आधार नंबर। तो गाइस, यहाँ पे आधार नंबर कौन सा डालोगे तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि बच्चों के साथ कौन पेरेंट्स आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का फिंगर लगेगा, यहाँ पे जो आप देखते हो फिंगरप्रिंट, यहाँ पे पेरेंट्स का फिंगर लगेगा, तो पेरेंट्स
का आना बहुत जरूरी होता है। तो पेरेंट्स मान लीजिए बच्चे के साथ फादर आया है, तो फादर का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। और अगर बच्चे के साथ मदर आया है तो मदर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर कर देना। तो मान लीजिए बच्चे के साथ माँ आया है तो माँ का आधार कार्ड यहाँ पे भेज दीजिएगा। और एक बात ध्यान रहे, जो भी साथ में है, माँ आया या फादर आए, ठीक है, तो उनका आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लिंक बच्चे के आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर लिंक होगा। इसीलिए आप जब भी कस्टमर आए, पेरेंट्स आए, तो पेरेंट्स से पूछ लेना कि उनका जो आधार है उनमें मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देने की बात है, तो ये आप पूछ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उनका पेरेंट्स का आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जो भी लिंक है वही बच्चे का होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर इंटर के बाद HOF मतलब हेड ऑफ फैमिली आधार, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HOF आधार मतलब हेड ऑफ फैमिली आधार। हेड ऑफ फैमिली कौन है? जैसे कि मैंने बताया, जो पेरेंट्स बच्चे के साथ में आएगा, अगर माँ आया तो माँ का आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है, यहाँ पे अपलोड होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने फोल्डर एक खोल के रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो फादर। तो सिंपली इस तरह से आपको विजिबल, पूरा विजिबल इस तरह से आपको, हाँ ठीक है, कोई शेडो में शेडो ना रहे, तो इस तरह से आपको आधार कार्ड आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, बिलो 1 MB के नीचे, ठीक है, 1 MB के नीचे रखना है। और सेम इसी तरह से पूरा क्लीन, ताकि डाटा रिजेक्ट ना हो, पूरा क्लीन आपको यहाँ पे इस तरह से आधार कार्ड को आपको बना के रखना है पहले से। उसके बाद आता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चाइल्ड फोटो JPG ओनली, ठीक है, JPG ओनली लिखे मतलब JPG आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। चाइल्ड फोटो, चाइल्ड फोटो आप किस तरह से, पासपोर्ट फोटो आप नहीं देंगे और कोई भी एडिट फोटो आप लोग नहीं डालेंगे, नहीं तो डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो किस तरह से डालेंगे उसके भी डीमो मेरे पास है। तो फोटो के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरह से फोटो आप लगाएंगे, पीछे वाला देख सकते हो आप व्हाइट कपड़ा लगा हुआ है। तो इसी तरह से आप एक, आप अगर दुकान में काम करते हो एक व्हाइट कपड़ा जो है वो लगा लेना है, या घर में करते हो तो व्हाइट कपड़ा आपको एक लगा लेना है। तो यहाँ पे लाइव आपको मोबाइल में फोटो खिंचवाना है, ठीक है, मोबाइल से फोटो खींचोगे उसके बाद आप ये कंप्यूटर में ले लोगे, ठीक है। तो वही फोटो सेम इस तरह से आपको अपलोड करना है, बैकग्राउंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एडिट फोटो नहीं चलेगा, कोई भी पासपोर्ट फोटो यहाँ पे नहीं चलेगा, तो लाइव फोटो खिंचवा के बैकग्राउंड व्हाइट फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद आता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ, DOB प्रूफ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको PDF अपलोड करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई भी पुराना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सेम इसी तरह जो ये जो सर्टिफिकेट है ये डिजिटाइज है, तो डिजिटली सर्टिफिकेट जो है इस तरह से QR कोड, यही सर्टिफिकेट काम करता है, ठीक है, इस तरह से QR कोड वाला ही काम करेगा। तो इस तरह से सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, PDF अपलोड यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है, यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आप कुछ भी दे दोगे, अगर जो है मोबाइल आधार कार्ड में लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दोगे, लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वो मोबाइल आधार कार्ड में नहीं लिंक होगा। मैंने आपको पहले बताया था जो पेरेंट्स के आधार कार्ड में जो मोबाइल लिंक है वही लिंक होगा, ठीक है। तो उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो। उसके बाद आपको पेरेंट्स का फिंगर यहाँ पे लेना है। तो पेरेंट्स का फिंगर लेते वक्त आप ध्यान रखना, फिंगर क्वालिटी ब्लैक नहीं होना चाहिए, चाहे फिंगर क्वालिटी कम हो लेकिन 60-50 ऐसे चलेगा, लेकिन फिंगर डार्क होना नहीं चाहिए, पूरा साफ फिंगर हो। चाहे आप अपना शॉप में सैनिटाइजर रख लीजिए या वाटर बॉटल रख लीजिए, आप फिंगर अच्छे से क्लीन करके उसके बाद आपको यहाँ पे फिंगर डालना है, ठीक है। फिंगर डार्क नहीं रहना चाहिए। बहुत भाई ने मुझे कंप्लेन किया कि रिजेक्ट आया है। तो भाई रिजेक्ट होने का एक ही कारण होता है, डार्क फिंगर, मतलब फिंगर आप जब डालोगे तो पूरा ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक फिंगर मत लीजिएगा, जब आप फिंगर डालेंगे तो ज़्यादा आप प्रेशर मत दीजिए फिंगर में, ठीक है। बस आहिस्ता से आपको मंत्र के ऊपर सिर्फ रख देना है, प्रेशर नहीं करना है, सिर्फ रख देना है, तो ब्लैक नहीं होगा, अच्छे से फिंगर आ जाएगा, 60-50 होने से चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे फिंगर क्वालिटी ब्लैक नहीं होना चाहिए, पूरा साफ क्लीन होना चाहिए, एक भी डाटा रिसीव नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो 5 फिंगर यहाँ पे कुल मिल के दोनों हाथों का, पहले जो है दोनों में दोनों थंब लेना है, उसके बाद मिडिल यहाँ पे मिला के दोनों हाथों का मिलकर 5 फिंगर रख के आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको लिस्ट में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट एक पेंडिंग, तो पेंडिंग में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे पेंडिंग आ जाएगा एक दिन बाद यहाँ पे सक्सेस लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे सक्सेस लिस्ट है तो यहाँ पर सक्सेस लिस्ट आ जाएगा। जैसे ही सक्सेस लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा आपको यहाँ पे आई बटन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड स्लिप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इजीली स्लिप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टेंटली एक दिन में ही आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। आप डाटा सक्सेस यहाँ पे दिखाने के एक दिन बाद ही आपका जो आधार कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एक गारंटीड है। तो भाई जिन जिन भाइयों ने आईडी लेने के लिए आप बेहतर हो रहे हो, मुझे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए, अभी आपको आईडी मिल जाएगा, इंस्टेंट 2 मिनट पे आईडी मिल जाएगा। बस आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर मुझे भेज दिए और पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा,
ठीक है, तभी आपको आईडी मिलेगा 2 मिनट में। तो 24/7 सपोर्ट मिलता है मुझसे, 24/7 सपोर्ट मैं आपको दूंगा, कोई भी इश्यू आपको नहीं होगा। ठीक है, मैंने भी पहले बोला कि मेरे यहाँ पे कोई फ्रॉड का जगह नहीं है, ठीक है, मेरे यहाँ पे कोई फ्रॉड का जगह नहीं, मैं लीगल सर्विस देता हूँ और लीगल काम करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के देख सकते हो, जिन जिन भाई ने मेरे साथ जुड़ चुका है ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं उन लोगों का पता है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। ठीक है, तो गाइस आज का चाल का वीडियो ट्रेनिंग जो था वो इतना ही था। अब मैं बताऊंगा DOB, जो भाई ने DOB के लिए रखा है। तो गाइस DOB के लिए जो आईडी है, यहाँ पे आपको एक आईडी है मेरे पास जो कि उसका कॉस्ट है, मैंने ये 5000 था पहले, अभी ये मैं सिर्फ और सिर्फ 3000 में दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका कॉस्ट 5000 था, तो आप सिर्फ 3000 में यहाँ पे दे रहा हूँ ये आईडी। तो ये आईडी में आप क्या कर पाओगे, पहले तो यहाँ पे देख सकते हो 4 इंडल मैंने यहाँ पे कर पाओगे, उसके बाद एड्रेस अपडेट यहाँ पे कर पाओगे, उसके बाद नेम अपडेट यहाँ पे कर पाओगे, उसके बाद DOB यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। तो ये जो आईडी है, आईडी का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 3000 है। ये आईडी अगर आप चाहिए तो इंस्टेंटली मुझे मैसेज कर दीजिए, आपका डिटेल भेजिए, पेमेंट भेजिए, 2 मिनट के अंदर आपको आईडी मिल जाएगा और फास्ट यहाँ से 24 आवर्स के अंदर आपका जो नेम DOB जो भी आप चेंज करोगे अपडेट करोगे वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एक गारंटीड है। ठीक है, तो सेम ऐसे अगर आप आईडी लोगे तो उसके भी ट्रेनिंग वीडियो में बनाऊंगा, तो आईडी लीजिए फर्स्ट, उसके बाद मैं ट्रेनिंग वीडियो लेके आऊंगा। दूसरा वीडियो में ट्रेनिंग वीडियो होगा डेट, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, किस तरह से आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो चाइल्ड आईडी की ट्रेनिंग मैंने अभी दे दिया है, चाइल्ड आईडी किस तरह से करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चाइल्ड का मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो ये आपको नेम और DOB किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, आप आईडी लीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आईडी लेने के लिए फर्स्ट मुझे मैसेज करें, पेमेंट करें और अपना डिटेल भेजें, 2 मिनट के अंदर आईडी मिल जाएगा। तो गाइज इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।